गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं अभी अभी उठा हूँ, गुड मॉर्निंग इसलिए कर रहा हूँ, बट फॉर अ चेंज आज मैं पहले उठ गया हूँ और कोई सो रहा है। देखो मैं इतनी तेज़ बात कर रहा हूँ फिर भी उसको होश नहीं है, वो अपना मस्त सो रही है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको कैसे उठाता हूँ। आज आज मैं पहले उठ गया हूँ, ऑब्वियसली यू कैन सी। बताओ यार इंसान को पता। और एक और चीज़ देखो, इसकी एक सॉक्स यहाँ नीचे गिरी हुई है वेरोनिका की, एक पैर पे अभी दिखाता हूँ नहीं तो उड़ जाएगी। गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग। आप ऐसे आज जल्दी उठ गए हाँ जी, आज छुट्टी का दिन नहीं है हमारी, तो आज सो मैं लो आपसे पहले उठ गया, ना। आपकी भी छुट्टी है। अच्छा उठ जाओ, नहीं, गेट अप गेट अप, उठो जल्दी जल्दी उठो। कभी कभी तो सोने का मौका मिलता है। ये देखो ये सॉक्स, एक पैर में, ये क्या है, एक पैर में सॉक्स है एक पैर में नहीं है, कहाँ गई सॉक्स? चलो खड़े हो, लेट्स स्टार्ट अ डे। तो समवन हैज ऑर्डर्ड आइसक्रीम आज छुट्टी के दिन। क्योंकि मेरी और दादी की फेवरेट है बटर स्कॉच। कितने दिनों बाद खा रहे हैं हम ये, पता है? मैं और दादी ने तो पहले रोज खाते फेवरेट है मेरे लिए तो मंगाई नहीं तुमने, मेरी थे। ये फेवरेट इतना बड़ा कैसे मंगाया? तो आपको मेरी बटर स्कॉच फेवरेट नहीं है पसंद ये, है? नहीं, आपको पसंद है नहीं मेरे को अलग खानी है। तो अलग मंगा देंगे। ये देखो शी इज एन आइसक्रीम लवर एंड अपने साथ साथ ये दादी को भी आइसक्रीम खिलाती है बहुत ज्यादा। दादी की फेवरेट है बटर स्कॉच। छुट्टी वाल बहुत काम करती है वैसे मेरी बीवी। सो ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ वेरोनिका काम करती, वेरोनिका ना बहुत काम करती है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव सच अ वाइफ, यू कैन सी शी कुछ इज। भी मत दिखाओ, मेरी बेइज्जती मत बेस्ती करो। की क्या बात है, हाँ बस, घर का काम सब करते हैं यार, इसमें क्या है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो अब मैं दादी के रूम में जा रहा हूँ उनसे पूछने के लिए कि कैसे आटा गूंथते हैं, और आप अपने सिखाया वेरोनिका को नहीं। दादी कैसे गूंथते हैं आटा, आपने सिखाया क्यों नहीं वेरोनिका को? आज पहली बार गूंथ रही है, मैं क्या क्या गूंथ। अभी दादी ना टेस्ट करेंगी कि एक्चुअली उसने सही गूंदा है या नहीं गूंदा। आप जाके उसकी एक बार देखो तो सही सही नहीं, गूंदे, अभी नहीं, मैं देखूंगी और फिर सही। वेस्ट हो गया फिर कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी सही, कैसे करोगे सही। मैं कर लेती हूँ। सो हमारा ये इंस्पेक्टर सब चीज टेस्ट करते हैं, और क्या, तो लेट्स सी इनके क्या रिव्यूज होते हैं टेस्ट करने के बाद में बाद। नंबर देंगे ना बाद में क्या? नंबर दोगे, वो बुला रही है आके देखो तो सही, नंबर दो। अभी नहीं देखूंगी, गूंद इज लूंगी। रियल गाइस, यू कैन सी आटा को गूंदने का प्रोसेस रियल। स्ट्रगल इज रियल, थक गई है वैसे। शैल आई हेल्प? रोटियां आप बना रोटी मैं लेना, बना दूं? ठीक है रोटी मैं आटा बना मैंने दूंगा, गूंद दिया। डन। दादी अब बताओ कैसा इसने गूंदा है, पास सही है, हो देखो। गई? कितने हाँ पास हो गया। नंबर दोगे? इसने 10 में 9। 10 में 9। एक क्यों काटा है आपने? अभी थोड़ा टाइट है ना, मुलायम करेगी। दादी अच्छा टाइट है भाई, वैसे सही है ना? हाँ सही है। देखा, मुझे आप तक घूमना ऐसा नहीं है, मैंने वेरी पहली बार काटा। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। थोड़ा हाथ में ना पानी लगा थोड़ा पानी गरम लगाओ है। भाई, दादी कह रही है पानी लगाओ। ये लो देख, पानी में आ यहाँ गया। वो लग ले ले गया था। दोनों हाथ आगे पीछे मार। हाँ, अब से सारा आटा ऊपर जाएगा। तो दादी ऐसे सिखाती हैं वेरोनिका को, दादी इज हर टीचर। थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है और आटा हाथों से भी उतर जाता है अपने आप। इनको ऐसे कर ले, मल ले अच्छी तरह, ऐसे मल ले जोर, वैसे मल ले, ऐसे करके ना, ऐसे इसको उठा। अब ऐसे मल कैसे? बाप मेरे हाथ बताओ कैसे, आप एक्शन करो। आप ऐसे करना दोनों हाथ ऐसे, अब उधर से ऐसे कर। अब ये पासा ऊपर ले, फिर वो ऊपर, अब अच्छे कर, उधर से भी थोड़ा हल्के ले। अब आटा हाथों से सारा कोई बात उतर नहीं, मैं हाथ जाएगा। दबा दूंगा, डन।
वेरी गुड। कर लीजिए भी सारा उत्तर जाएगा, पानी जरा अच्छा लगा ना इसमें। वाओ आज मजा ही अलग आएगा रोटी खाने का। तो यार जिसको नहीं पता तो हमारे वैसे तो सारा वेरोनिका रोटी वगैरह सब वेरोनिका बनाती है, बट आटा गूंदने का डिपार्टमेंट दादी का था। अब वेरोनिका ने आज वो डिपार्टमेंट भी फाइनली अपने हाथ में ले लिया है। एंड देख लो पहली बार में इतना बढ़िया आटा। ऐसे तो ये देखो फाइनल टच बाय दादी। कोई बात नहीं अभी भी थोड़ा टाइट है ना। एंड फाइनली मेरा काम जो है ये आटे को फ्रिज में रखने का। चलो जी बंद। तो इतना थक गई है कि अभी इसने ना पानी पिया है, ब्रेक लिया है। लच्छा पराठा। हाँ काफी लोग पूछ रहे थे यार कि जब हमने आपने वो उस पे डाला था स्टोरी पे तो काफी लोग पूछ रहे थे कि लच्छा पराठा आप मतलब कैसे बनाते हो, उसका व्लॉग करो। तो इसमें वो भी शायद हम दिखा सकते हैं। नहीं एक बना के दिखाएंगे ना कैसे बनाते। तो ये प्रिपरेशन हो रही है अभी। पनीर एज यू ऑल नो पता ही होगा अब तक तो सबको कि मुझे बहुत पसंद है। तो इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना तो ये पनीर बना देती है। हाँ जी दिखाओ। एंड ये पनीर वाओ, मेरे को तो बड़ा ही ना मुंह में पानी सा आ रहा है। आई कांट वेट टू हैव इट। अभी लच्छा पराठा भी खाऊंगा इसके साथ। एंड एक ना मेरी एक आदत है लाइक मेरे को ना पराठे के साथ चाय पीना बड़ा अच्छा लगता है तो इसलिए अब चाय भी पीऊंगा। बना दोगे चाय? हाँ जी चाय बना दोगे? ये ऐसे बड़ी हूं हूं कर रही है जैसे सब रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए हूं कर रही है यार मतलब। तो अब बनाने दोगे? तो ये चाय बन रही है मेरे लिए। एंड मैं जो है ना पूरा दूध में पत्ती डाल के पूरी चाय पीता हूँ। आई डोंट लाइक पानी मिक्स करना तो मेरे को दूध वाली चाय बहुत पसंद है। तो इसमें जरा सा भी पानी तो नहीं डाला? नहीं डाला। मुसीबत हो यार क्या लच्छा पराठा के लिए तवा सेट कर दिया है। अब आपको आज हम दिखाएंगे लच्छा पराठा कैसे बनाने का। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था मुझसे। हाँ तो ठीक है अब दिखाओ सबको कैसे बनाते हैं लच्छा पराठा। अब हम आटे का यू नो पेड़ा लेंगे ऐसे एंड इसको थोड़ा गोल गोल करेंगे जैसे रोटीज बनाते हैं। बेसिक है। हम फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं एक तरीके से आज हमारी है ना। लच्छा पराठा कैसे बनाए तो उसके बाद आई एम नॉट टेकिंग द चकला बिकॉज मेरे को थोड़ा क्या कहते हैं स्पेस ज्यादा चाहिए और चकले में स्पेस कम होती है। तो आई डू इट ऑन दिस शेल्फ। मैंने इसे पहले साफ कर लिया था, क्लीन कर लिया था पूरा। तो मैं से जितना पतला हो सकता उतना कर लूंगी। तो आपने मैंने कितना बड़ा बना लिया है ये और कितना पतला है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी घी। ऐसा नहीं है मैं लक्ष्य को मोटा कर रही हूँ, बहुत कम। कभी कभी हम लोग खाते हैं, रोज नहीं खाते हैं। तो ये मत सोचना प्लीज कि मैं रोज खिलाती हूँ। बता दीजिए आप। यार मेरे को तो आज पता लगा लच्छे पराठे में इतना घी लगाती है। भाई मैं तो रोज रोज खाने लग गया था वैसे। नहीं तो मैं रोज खिलाती थोड़ी थी आपको, मैंने एक ही दिन तो खिलाया है वो भी दाल मखनी बनाई थी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्प्रेड कर देते हैं सो दैट इट चिपके ना रोटी। अब
अब इसके बाद हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे ऐसे ऐसे करके, यू नो, वन बाय वन। थोड़ा सा जूम आउट कर दो सो दैट पीपल कैन सी मैं कैसे बना रही हूं। मतलब लच्छा बनाएंगे बेसिकली। लच्छा नहीं, प्लेट्स। अभी प्लेट लच्छे, वो लच्छे तो अपने आप बन जाएंगे। नीचे करो थोड़ा जूम इन, आई वॉन्ट देम टू शो कि मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे करके। अब आप देख सकते हो मेरी ये ऐसे ऐसे, यू नो, जैसे साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं वैसे मैंने आटे की बना ली है। अब मैं ऐसे ऐसे राउंड राउंड करती रहूंगी। ये मतलब लच्छा लाने के लिए है ना बेसिकली ये, उसमें जो। सो नाउ यू कैन सी द लच्छे इन माय रोटी। साइड बाय साइड मैंने तवा गरम करने रख ही दिया था सो दैट फटाफट मैं इसको बेल के एंड आई कैन मेक लच्छा पराठा। अब कुछ नहीं, अब इसके ऊपर मैं हल्का सा इसको सूखे आटे में करके अब थोड़ा बेल दूंगी। हाथ से भी कर सकते हैं बट मैं बेलन से करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे वो थोड़ा इजी लगता है। अब मैं थोड़ा सा तवे पे घी लगाऊंगी सो दैट मेरी रोटी चिपके नहीं एंड इसको मैं तवे पे डाल दूंगी। तो पनीर बन गया हमारा साइड बाय साइड, चाय हमारी उबल गई है। आप कब खिलाओगे मुझे ऐसे बना के, कब आएगा वो दिन? मेरे को वैसे चिकन बनाने में इंटरेस्ट है। नहीं, वो मेरे को खाने में इंटरेस्ट नहीं है। चलो पनीर थोड़ा सा निकाल दो, आपको और चाहिए? अब मैं आई वांट पनीर, तो मैं इसमें पनीर और डलवा रहा हूँ। कहाँ पड़ा है जी पनीर? ये लो डालो। नहीं चलो आप थोड़ा तो कर लो, आई टेक केयर ऑफ माय पराठा ना। तो फिर ये रिकॉर्डिंग कौन करेगा? सब मैं करूंगी तो फिर आप क्या करोगे? सी कितना पनीर खाते हो आप, कितना बोर नहीं होते पनीर खा खा के? नहीं यार, नहीं मैं ना दिन रात पनीर खा सकता हूँ और सुबह शाम बस पनीर पनीर पनीर। इतना बहुत है, बहुत डालो। बहुत है, आपने भी तो खाना है, अपने ने डाल लो। मैं तो अकेला खा जाऊंगा इतना सारा। और डालूं? आपके लिए वैसे दाल मखनी भी है। हाँ, तो फिर चलो अब इसको पलट देंगे। एक साइड से पूरा बन गया, अब मैंने रोटी पलट दिया बिकॉज यहाँ से भी ये पूरी पक चुकी थी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और घी लगाऊंगी, प्लीज डोंट माइंड। ऑब्वियसली इसको करारा करने के लिए तो लगाना ही पड़ेगा ना थोड़ा यार, इतना घी। अब अच्छे पराठे खाने तो यही होगा ना फिर। ओह माय गॉड, अब मैं नहीं खाऊंगा, ये मेरा लास्ट लच्छा पराठा है गाइस। अब इसके बाद मेरे को, तभी तो मैं कहूँ मेरा, मैं ना मोटा हो गया हूँ पहले से। ऐसा कुछ नहीं है, यू थिंक, आई डोंट थिंक दैट। ठीक है, अब आप मेरे लच्छे देख सकते हो, थोड़ा जूम करके दिखाओ। देखो, दिख रहे हैं ना सबको लच्छे? अब इसको ऐसे करके, अब आपको ऐसे ऐसे करना है राउंड 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 सो दैट आपको जब आप देखो तो आप जब आप पढ़ो मेक श्योर आप चिमनी भी जला लें। हाँ, हमारे पास चिमनी नहीं आएगी ना अगर मैं चिमनी जला दूंगी तो। चलो कोई बात नहीं, ये यू कैन, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, वी कैन बेयर विद द स्मोक। ओके, अभी जब मैं इसे टर्न करूंगी तब देखना पूरे लच्छे दिखेंगे। वेट फॉर द लच्छास गाइस। Are you excited to see the lachha? One. कितनी देर में? Countdown कितना करें? Five. One. Two. Three. Four. And five. Oh. Wow. See? यार आज तो लगता है वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं और भी अच्छा लग रहा है। It's so crispy, man. देखो।
keep on showing that challenge for a minute. अच्छा मैं इस पे थोड़ा सा ना बटर भी लगाऊंगी ये और टेस्टी लगे, ठीक है। और मेरा ये होममेड बटर है तो अब इसमें मोटे नहीं होंगे। यार भाई साहब इतना स्वाद अब मैं इसको ना ऐसे इसमें लेके कपड़े में मैं डाली क्रश इट सो दैट इट लुक्स मोर टेस्टी। यस नाउ यू कैन हैव इट, यू कैन हैव द फाइनल लुक ऑफ द लच्छा। My plate is ready, तो I can't wait to have it. अब हम मिलते हैं खाने के बाद, ठीक है जी? आइसक्रीम बटरस्कॉच नहीं खाते, you can see the tub in his hand. और अभी आधा हो जाएगा थोड़ी देर में। अब खाना खाने के बाद इतना बढ़िया तूने खाना खिलाया तो आइसक्रीम तो बनती है। क्योंकि आपको पसंद है आइसक्रीम। मीठा हो जाए कुछ। कुछ बहुत खा। प्लेट दिखा दे कि मैंने कैसे पूरा All empty. और गाइस मैं ना पनीर इतने बड़े उसमें खाता हूँ, ये देखो पूरा मैं खत्म कर सकता हूँ। पूरा एंड इट्स दे दो आप ही फिनिश इट ऑफ जैसे आइसक्रीम। या है ना, आई लिव लाइफ किंग साइज। किंग बन जाओगे, मोटे हो जाओगे वो मैं बनाने नहीं दूंगी आपको। ठीक है, कैसी आइसक्रीम? ठंडी। ठंडी बट टेस्टी। यस अभी तक ये बटरस्कॉच चल रही है तो शी जस्ट लुक्स फॉर द कैरेमल इन द बटरस्कॉच आइसक्रीम। ये वो ढूंढ ढूंढ के खाती है वैसे कैरेमल ढूंढ ढूंढ के खाती है और पूरी बटरस्कॉच आइसक्रीम में सारे कैरेमल ये खत्म कर देती है, ठीक है, और मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ती। तो गाइज आपको ये हमारा छोटा सा व्लॉग आज छुट्टी वाले दिन एंड हाउ वी स्पेंड आर डे लच्छा अच्छा लगाओ, लच्छा पराठा दे आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज। और हमें कमेंट में ये भी बताना कि व्हाट एल्स यू वुड लाइक टू सी या बिकॉज दिस वाज द रिकमेंडेशन लच्छा पराठा की, तो हमने इसलिए आज ये सोचा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे लच्छा पराठा कैसे बनाया, रेसिपी बताओ। हां सो आई डिड दैट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस, बाय।